सी तो भाई। हाँ साहब। कहाँ सब लोग? मालूम है इतना ही बेडरूम में। सीमा, प्रिया, अनु, शादी तो बहुत। विदाई के वक्त तो हर लड़की रोती है, लेकिन आशा इसलिए रो रही थी कि तुम लोग क्यों नहीं आए। खैर, मैंने तो समझा दिया। कहने लगी मैंने सीमा पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया, घर जाकर माफी मांग लो। कहाँ है वो सीमा? कहाँ? अनु, सीमा, 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 मैंने तो उससे कहा था ना करण कि एक दिन तेरी बहन से शादी करके रहूंगा। ये देख, तेरी बहन से शादी भी कर ली और कानून ने इस पर अपनी मोहर भी लगा दी। तेरी बहन की मांग में भरा ये सिंदूर और गले में पड़ा ये मंगलसूत्र चीख चीख के कह रहा है कि ये मेरी जीत है और तेरी हार। और हां, आज के बाद अपना सिर उठाकर नहीं झुकाकर बात करना, क्योंकि रिश्ते में मैं तेरा जीजा और तू मेरा साला है। दर से अलग कर दूंगा तेरे सर को, समझता क्या तू अपने आप को? मिस्टर करण, राज मेरा पति है और इन तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। क्यों मार दोगे तुम इन्हें? क्या सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मेरी मांग में अपने प्यार का सिंदूर भर दिया? क्या इसलिए कि उन्होंने प्यार किया तो निभा कर दिखाया? तुम्हें इनकी जान लेने के बजाय इनके पैर छूने चाहिए। इन्होंने तुम्हारी बहन की जिंदगी सवार दी, वरना तुम तो मेरी मांग में सिंदूर के बजाय राख भर देते। भैया भैया कहते हैं, हमारी जबान कभी थकती नहीं थी। हमने तुम्हें अपना भाई नहीं अपना भगवान समझा था, लेकिन तुमने तो ये साबित कर दिया कि तुम अपनी बहनों के लिए भगवान नहीं, शैतान हो, शैतान। कैसे बेवजह का तरफ रहो बेटी। आओ आओ बेटी, आओ बेटी। वहीं रुक जाओ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये लड़की इस घर में कदम नहीं रख सकती। ये क्या कह रहे हैं आप? पापा, ये आपकी बहू है। इससे पहले हमारा एक रिश्ता है, बाप और बेटे का रिश्ता। तू इतनी जल्दी कैसे भूल गया कि इसके भाई ने तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया था? ये शादी करते वक्त तुम्हें ये याद नहीं रहा कि इसके भाई ने तेरे घर में घुसकर तेरे बाप के मुंह पर तमाचा मारा था? क्या तेरी नजरों में तेरा प्यार तेरे बाप के गैरत से बढ़कर है? लेकिन पापा, इसमें सीमा का क्या दोष है? भूल जाइए इन बातों को और सीमा को अपनी बहू स्वीकार कर लीजिए। खामोश! इन दोनों की सफाई में बोलकर तू भी अपना रास्ता बना रही है, लेकिन याद रखना,
ना मैं इस लड़की को अपनी बहू स्वीकार करूंगा, ना ही उस करण को अपना दामाद। चली जाओ यहां से, चली जाओ अपने उस सरफिरे भाई के पास। मैं अपने भाई का घर हमेशा के लिए छोड़कर इस घर में आई। मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है, चली जाओ यहां से। अगर ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। तो क्यों अपना वक्त बर्बाद करा है? तू भी चला जा, तू भी चला जा इसके साथ। आप इसे आशीर्वाद देने की बजाय जाने को कह रहे हैं, अपनी औलाद को जाने को कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि ऐसी औलाद की मुझे कोई जरूरत नहीं है। अंदर चलो, अंदर चल। मगर मेरी अंदर आ जा, चलो अंदर। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा। ओह, दीदी हाय, अरे अरे, कहां जा रही हो? जिसने तुम्हारे भाई के मुंह पर कालिक पोत दी, उस बहन से मिलने जा रही हो? अच्छा, लेकिन वापसी पे इस घर के दरवाजे हमेशा बंद पाओगे। उसको मारो देना। वाह वाह वाह, इसे कहते हैं घर, इस घर के सामने ये घर, इसे कहते हैं खुली आंख में मसाला डालना। आज से राज और मेरी सीमा भाभी यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे। अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? समझ गया। अरे ये कैसे पड़ोसी हैं जो ये देखने भी नहीं आए कि इस घर में रहने कौन आया है? हाँ। लेकिन हम भी ऐसे पड़ोसी की परवाह नहीं करेंगे। हाँ। अरे ऐसे पड़ोसी की परवाह करता कौन है? और नहीं तो क्या? भाभी, आपकी आंखों से गंगा जमुना क्यों बह रही है? ये तो खुशी के आंसू हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने, क्योंकि आज की तारीख में हमारी बेगम साहिबा अपनी भाई की जेल से रिहा हो गई। वर्मा, मेरे समझ में नहीं आता कि सरकार ने तुझे वकालत की डिग्री कैसे दी। रिश्वत दे के ली क्या? बुड्ढा हो गया तू, अब तेरा दिमाग काम नहीं करता। अरे जब तेरा बेटा करण के बहन से शादी करके उसे अपने घर पे लाया, उसे घर के बाहर क्यों निकाला? उसे अपने घर में रखता, टॉर्चर कर करके उसका जीना हराम कर देता। अब तू वकालत करने के काबिल नहीं है वर्मा। अरे तूने मेरी वकालत अभी तक कहां देखी है काबरा? शीला, ओ शीला, जी, ये शीला है, करण की बहनों को डांस सिखाती है। अगर आप भी हमारा डांस कंपटीशन देखने आते तो कितना मजा आता। जरूर आता बेटे, लेकिन क्या करूं, मिल में नई मशीन आने वाली है, मेरा वहां रहना बहुत जरूरी है। शीला जी, मन करो, इनका ख्याल रखना, पहली बार अकेली बाहर जा रही है। इन लोगों के लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ए भाव, इन लोग का फिक्र करने के लिए ये राम भाव है ना, आप फकत अपना धंधे पर ध्यान दियो बस। चलो बैठो। नमस्ते। मैं आगे बैठूंगी। हाँ बस बस, तू आगे बैठ, तू खिड़की पर बैठ। बाय बाय, बंद कर। हाँ चले, संभालना, चला चला, बाय। चला भारिया।
डोलकर दरियाचा राजा वल्लभ रे रखवा हो रामा। अरे मैं हारमोनियम तो घर पे भूल आई। राम भाऊ काय आप जाकर ले आइए ना। हे भाई मेरे को ऑर्डर बीडर नहीं देने का। ये राम भाऊ खाली साहब का ऑर्डर सुनता है। इन लोग को छोड़ के मैं किधर को पर नहीं जाएगा। क्यों इधर क्या कोई हमें खा जाएगा? टीचर है ना हमारे साथ। तुम जाकर हारमोनियम लेकर आओ। मैं किधर को पर नहीं जाएगा। क्या तुम चाहते हो कि हमारा डांस खराब हो जाए, हमारी बेइज्जती हो जाए? बेबी ऐसा नहीं बोलने का। ये तुम लोग का बेइज्जती से तो राम भाऊ का बेइज्जती ज्यादा अच्छा है। अच्छा तो फिर जल्दी जाओ ना प्लीज। तो जाता है ना, नहीं जाएगा तो तुम लोग का डांट सुनो, जाएगा तो साफ वाट लगाएगा। जाता है मैं, जाता है। ये चलो भाऊ। हाँ अच्छा ठीक है, आप लोग चलो मैं आती काम सब प्लान के मुताबिक हो रहा है जी। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, वो अभी आती होगी। सुनिए गर्ल्स, शो का वक्त हो रहा है और इस रूम में एक ही बाथरूम है, इसलिए मैंने 3 चाबियां और ले ली हैं। आप लोग अलग अलग रूम में तैयार हो जाइए। ठीक है okay. चलो मैं तुम लोगों को रूम दिखा दूं। आप लोग जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं नीचे इंतजार कर रही हूँ। ओके। कहाँ जा रही थी मेरी बेटियों को? इन लोगों का डांस कंपटीशन है। मैं जानता हूँ कौन सा घिनौना खेल खेलने जा रही थी तू। मेरी बेटियों की इज्जत का सौदा करने जा रही थी तू। डैडी ये क्या कर रहे हैं आप? क्या मतलब है, मार क्यों रहे थे आप इनको? डैडी आप एक शरीफ औरत को कैसे मार सकते हैं? खामोश। मैं अच्छी तरह जानता हूँ किस किस्म की शरीफ औरत है। बता किन लोगों से मिली हुई तू? बोल बोल। चलो जल्दी कर, चलो। कहाँ ले जा रही थी मेरी बेटियों को? ए मिस्टर ये क्या हो रहा है, कौन है आप? मैं कौन हूँ? यहाँ क्या हो रहा है वो आज मेरी बेटियां भी देख लेंगी। चलो चलो चलो। यहाँ कोई नहीं है साहब, यहाँ कोई नहीं है साहब, यहाँ कोई नहीं है, देखिए कहीं भी नहीं। भगा दिया साहब, यहाँ कोई नहीं है, कोई भी नहीं है भैया। क्या बात है?